फिर गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं निशा मैम इस तरह देवी स्कूल से आप लोगों क्लास 9th का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को यूज करने से पहले हम आप लोगों को देखेंगे, आप लोग बताएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं और इस फार्मूले को डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यह संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं, यानी उदाहरण में 1, 2, 3 डॉट डॉट ईसीटी डॉट डॉट ईटीसी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। फिर देखेंगे दूसरे नंबर पे दूसरा फार्मूला इसमें होता यूज होने वाला है पूरी संख्या, यानी पूरी संख्या किसे कहते हैं। यह संख्या 0 से अनंत तक होती है, यानी 0 से लेकर काउंटिंग करने वाली संख्याओं को पूरी संख्या बोला जाता है। फिर देखते हैं पूर्णांक संख्या। सभी पूर्ण संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, यानी कि जब सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं 0 से के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, उसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब आगे देखेंगे अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे कि 2 है, 3 है, 3 को हम लोग या तो 1 से विभाजित कर सकते हैं या तो 3 से ही विभाजित कर सकते हैं। फिर है 5 को या तो 1 से विभाजित कर सकते हैं या तो 5 से कर सकते हैं। अगला है 7 वैसे ही है, या तो इसे 1 से विभाजित करेंगे या तो 7 से विभाजित करेंगे। फिर अगला ऐसे ही अन्य संख्याएं हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कहते किसे हैं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे 4 को हम लोग 2 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से विभाजित कर सकते हैं और 1 से विभाजित कर सकते हैं। फिर 6 है, 6 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, 1 से विभाजित कर सकते हैं। ऐसे में है 8 है, 16 है, 12 है, यानी कि ऐसे ही संख्याओं को भाज्य संख्या बोला जाता है जो एक या खुद से या किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को भाज्य संख्या बोला जाता है। फिर आगे देखेंगे परिमेय संख्या। इन संख्याओं को p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिन संख्याओं को p बाय q के रूप में लिखा जाता है उन संख्याओं को परिमेय संख्या बोला जाता है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जांपल में देखेंगे पाई, √2 इसे पाई है, पाई को हम लोग पाई का मान होता है 22/7। इसका कोई वास्तविक मान नहीं, यदि कोई बोलेगा कि पाई को तो पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन पाई को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है 22/7 के रूप में, लेकिन जो 22/7 इसका कोई वास्तविक मान नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याओं का संग्रह, यानी सभी संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग है वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार। अब देखेंगे वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार में क्या डिफरेंस है और कहते किसे हैं। पहले देखेंगे शांत संख्या। शांत संख्या कहते किसे हैं। इस स्थिति में
शेष जीरो हो जाता है उस स्थिति में उस स्थिति को शांत संख्या कहते हैं। यानी कि जब हम भाग देते हैं और उसका शेषफल जीरो हो जाता है उस संख्याओं को शांत संख्या बोलते हैं। यानी कि उसका शेषफल कुछ भी नहीं बचता, उसका शेषफल जीरो हो जाता है, उन संख्याओं को शांत संख्या बोला जाता है। अशांत आवर्ती, अब देखेंगे अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि जब हम भाग देते हैं वहां पर शेष की पुनरावृत्ति बार बार होती है, उसी संख्याओं को अशांत आवर्ती बोलते हैं। जैसे कि हम लोग 1/3 में भाग दिए हैं, 1/3 में जब भाग देंगे तो इसका यहाँ पे 0.33 करके आ रहे हैं, यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इस संख्याओं को हम लोग अशांत आवर्ती बोलेंगे और इसे 0.3 बार के रूप में लिखेंगे। आगे देखेंगे अशांत अनावर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इन संख्याओं को अशांत अनावर्ती बोलते हैं। जैसे √2, π, ये ऐसी संख्या है जिनका शेष की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है, इसलिए इन संख्याओं को अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं घातांक का नियम, यानी कि घातांक का नियम क्या होता है। अब देखिए, जब दो चर का आपस में गुणा होता है और उसका घात अलग अलग होता है, वहां पर घात को हम लोग जोड़ देते हैं और उसे यहाँ पर और लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए a^m × a^n, और तब इनका जो जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो इसका जब इसका जो मान लिखेंगे तो a^m + n हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे जब चर का पावर m है और उसका पावर n है, तो तब इसका मान a^m × n हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे a^m / a^n है, तब यहाँ पे इसका मान हो जाएगा a^m − n। फिर चौथे नंबर पर देखेंगे a^m × b^m, यहाँ पर हो जाएगा इसका मान इक्वल, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा a^m × m × n हो जाएगा। इस चैप्टर में आज हम लोग सारे इसके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे और अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग इसके चैप्टर के बारे में, उसके क्वेश्चन को हल करेंगे।